हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन. सो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल राजर्षी क्लासेस. सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. तो इसका जो है ये सेकंड पार्ट है. तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर जाके ऑल पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे. और जिन्होंने भी इसे सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद. तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसका जो है सेकेंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने क्या देखा था, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन में हमने जो है प्लांट्स की डाइवर्सिटी जो है वो किस तरह की होती है वो हमने यहाँ पर देखा. हाँ, मतलब तीन प्रकार के प्लांट्स हमने देखे, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और इंसेक्टिवोरस. देन जो है हमने प्लांट्स के जो है पार्ट्स देखे, जैसे कि फ्लावर है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, रूट है. ये जो है हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा. अब हम जो है सेकंड पार्ट में शुरू कर रहे हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट. तो ये प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये जो है हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं. अप टू नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ अ प्लांट हैज़ बीन कलेक्टेड. अब तक जो है मतलब लाखों जो प्लांट है उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर चुके हैं. तो वाइल स्टडिंग द डाइवर्सिटी इन प्लांट दे आर क्लासिफाइड फॉर द सेक ऑफ अ कन्वीनियंस ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स, देयर ऑर्गन्स एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक. तो ये जो डाइवर्सिटी हमने जो हम देखते हैं प्लांट्स की, तो उसको जो है हमारे कन्वीनियंस के लिए जो है उसको क्लासिफाइड कर दिया गया है. तो ये क्लासिफाइड कैसे किया गया है, तो उसके सिमिलैरिटीज़ के ऊपर, मतलब जो सिमिलर प्लांट्स हैं वो अलग किए गए, उनके डिफरेंसेस जो है, जैसे कि प्लांट के स्ट्रक्चर में जो भी सिमिलैरिटीज़ दिखती है वो प्लांट अलग कर दिए गए, और जो डिफरेंसेस दिखते हैं वो जो है अलग कर दिए गए उनके ऑर्गन के हिसाब से, उनके जो बाकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से जो है हमारे कन्वीनियंस के लिए उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है. ठीक है, तो यहां पर जो है द साइंटिस्ट कैरोलस लिनोअस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट. तो सबसे पहले जो है प्लांट का क्लासिफिकेशन जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने किया है, तो कैरोलस लिनोअस ने जो है इसको क्लासिफाई किया है. सो इनिशियली इट वाज हिज मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन दैट वाज यूज्ड बाय ऑल. तो पहले जो है इन्हीं का क्लासिफिकेशन मेथड जो है सब लोग जो है वो यूज कर रहे थे. तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, टेक अ राउंड थ्रू अ गार्डन और इन योर सराउंडिंग एंड लिस्ट द प्लांट दैट यू सी. आपको क्या करना है कि हमारे आसपास के गार्डन में या फिर हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट आपको दिखते हैं उसके जो है एक लिस्ट बनानी है. ठीक है, देन ड्रॉ देयर पिक्चर्स एज वेल. और अगर उसका पिक्चर अगर आप बना सकते हो तो उसके पिक्चर्स भी बनाने हैं. और ड्रॉ अ टेबल एज शोन बिलो एंड कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन यू गैदर. और फिर एक टेबल बनाना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है राउंड करके गार्डन में या फिर सराउंडिंग में, तो वो इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर फिल करनी है. डिस्कस इट इन अ क्लास, और फिर इसको डिस्कस भी करना है. तो जैसे कि जो भी प्लांट्स आपने देखे हैं उसके नाम जो है पहले हमें लिखना है, नेम ऑफ द प्लांट. यहाँ पर जो है हम जितने भी प्लांट्स हम देख रहे हैं उसके नेम्स जो है यहाँ पर हमको लिखने हैं. नेक्स्ट जो है, वेयर डज द प्लांट ऑकर और ग्रो. ये प्लांट जो है कहाँ पर ग्रो हो रहा है, तो ये मतलब लैंड पे ग्रो हो रहा है, वाटर पे ग्रो हो रहा है, तो ये जो है आपको यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ अ स्टेम, उसका स्टेम जो है वो कैसा है, सर्कमफरेंस है, उसका कलर कैसा है, उसका बार्क जो है वो कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, ये जो है हमको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, जितने भी प्लांट्स आप ले रहे हो उसके, देन उसकी हाइट जो है वो कितनी है वो बतानी है हमको, शॉर्ट है, मीडियम है, या वेरी टॉल, या बहुत लंबा है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है. देन ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस कैसे है, नेचर उसका नंबर,
एटसेट्रा। हाँ, मतलब ब्रांच के नंबर्स भी लिखने हैं आपको, कितने ब्रांच है उसको, हाँ वो भी आपको जो है यहाँ पर लिखना है, हर एक प्लांट के जो है आपको यहाँ पर लिखते जाना है। नेक्स्ट जो है लीव्स, लीव्स कैसे है, उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसके एजेस, एजेस यानी उसकी किनार जो होती है लीव्स की, तो ये किनार जो है वो कैसी है। जैसे कुछ लीफ जो है इस तरह के होते हैं, जैसे ये मैं निकाल रही हूँ, तो कुछ जो है ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे राउंडेड होते हैं, तो ये लीफ जो के एजेस जो है वो कैसे होते हैं, कैसे है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। देन जो है फ्लावर्स, फ्लावर्स का कलर कैसा है, उसका फ्रैग्रेंस कैसा है, मतलब स्मेल कैसे आ रही है, उसका शेप कैसा है, वो भी जो है यहाँ पर आपको लिखना है अलग अलग प्लांट्स के। देन नेचर ऑफ द फ्रूट्स, उसका फ्रूट कैसा है, उसका कलर कैसा है फ्रूट का, उसका शेप कैसा है, हार्डनेस कैसा है उसका, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, वो जो है यहाँ पर हमको लिखना है। एंड यूजेस, उस प्लांट के यूजेस भी आपको यहाँ पर लिखने हैं, विच पार्ट इज यूज, मतलब उस ट्री का, उस प्लांट का कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, वो भी जो है यहाँ पर लिखना है हमको। तो ये क्लासिफिकेशन आपको खुद का करना है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह से प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है। वी कैन ईजिली नोटिस द differences in shape and height of the plant in our surrounding. जब हम हमारे surroundings में देखते हैं तो हम easily notice करते हैं, मतलब plant के shape को देख के या उसकी height को देख के। Okay, so it is easy to classify the plant on the basis of this observation. और ये observation जो हम करते हैं तो उसके height के हिसाब से, उसके shape के हिसाब से जो है हमको पता चल जाता है कि ये plant कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी इन प्लांट जो है दी हुई है, ये देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटा सा प्लांट जो है आपको दिख रहा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है थोड़ा बड़ा प्लांट दिख रहा है यहाँ पे, ये फिर से छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, मतलब इस प्लांट से जो है ये बड़ा है थोड़ा सा, फिर ये जो है ये थोड़ा और बड़ा है, जैसे कि कनेर का प्लांट जो होता है तो ये दिख रहा है आपको, ये फिर उससे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये केले का जो प्लांट है उसके लीफ भी जो है वो अलग दिख रहे हैं, फिर ये जो है ये वड़ का झाड़ दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है आपको कितना बड़ा है, तो ये भी अलग टाइप का है, और फिर ये जो है नारियल का जो पेड़ दिख रहा है आप, ये बहुत सबसे टॉल पेड़ जो है हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ प्लांट जो है वो हमको यहाँ पर, ट्रीज जो है हमको दिख रहे हैं, डाइवर्सिटी इन प्लांट जो है हमको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। देन जो है यहाँ पर कैन यू टेल दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ मैंगो बनियान एंड अ टमरिन ट्री, तो ये जो टमरिन ट्री होता है, टमरिन यानी चिंच बोलते हैं जिसे हम, तो इमली, इमली तो इमली का पेड़ है, बनियान का पेड़ है, या फिर मैंगो का जो पेड़ है, इसमें क्या सिमिलैरिटी दिखती है मैंगो ट्री है, बनियान और टमरिन में, तो ये जो है टॉल ट्रीज है, बड़े ट्रीज है, इसकी ट्रंक जो है मतलब स्टेम जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बीग होती है, थीक होती है बहुत ही, और इसके जो ब्रांचेस है वो ऊपर जो है हमको दिखते हैं, और ये जो है बहुत फैले हुए दिखते हैं, और बहुत सालों तक ये जो है हमको फ्रूट्स जो है वो देते रहते हैं। तो इस तरह के सिमिलैरिटीज जो है हमको ये तीनों पेड़ में दिखती है। तो यहाँ पे ट्री दिया हुआ है, सम प्लांट्स ग्रो टॉल, कुछ प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं, टॉल ग्रो होते हैं, मतलब बहुत ऊँचे जो है वो ग्रो होते हैं, सो देयर स्टेम आर ट्रंक इज हार्ड एंड स्ट्रांग, उसके जो स्टेम और या फिर ट्रंक जो होता है इसको जो है स्टेम या फिर ट्रंक कहा जाता है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रांग होता है। दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट, और कुछ हाइट पे जाके इसके ब्रांचेस आपको दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है, हाँ ये जो है इसके ब्रांचेस है, ये एक और ये एक, तो ये कुछ हाइट पे जाके इसके ब्रांचेस हमको दिखते हैं, ठीक है। दे बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर मेनी ईयर्स, और इसमें फ्लावर्स और फ्रूट जो आते हैं बहुत सालों तक आते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड अ ट्री, और इस प्लांट को जो है हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं, जैसे कि मैंगो बनियान टमरिन जो है ये ट्री है, सो ट्रीज आर टॉल, ट्रीज कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, बीग होते हैं एंड पेरिनियल होते हैं,
ओके, पेरिनियल मीन्स दे लीव फॉर मेनी ईयर. तो ये जो ट्रीज है वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, मतलब ऊंचे होते हैं, बिग होते हैं, बड़े होते हैं, और पेरिनियल, पेरिनियल मतलब ये बहुत सालों तक जो है जिंदा रहते हैं. ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, पेरिनियल. तो ये है ट्री. नेक्स्ट जो है वो है सेकंड दिया हुआ है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द हिबिस्कस, ओलियंडर एंड लैंटना प्लांट. तो ये जो प्लांट्स है, हिबिस्कस है जिसे जासवंद बोला जाता है, ओलियंडर है, लैंटना है, ये प्लांट जो है सेम जो है हाइट के दिखते हैं उनको, और इसके जो कलर्स है ये वाइब्रेंट कलर होते हैं इसके फ्लावर्स के. ठीक है, और ये जो प्लांट्स है तो ये हमारे हाउस की जो है ब्यूटी को बढ़ाता है, होम की ब्यूटी को बढ़ाता है. और इन तीनों प्लांट्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो है हमको दिखती है. ठीक है, तो श्रब्स, अब जो है हम श्रब के बारे में, तो सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, और ये जो प्लांट्स है मतलब ये हिबिस्कस, ओलियंडर, लैंटना, ये सब, ये जो प्लांट है ये ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज जो है वो ग्रो होते हैं. मतलब यहाँ दिख रहे हो आप, यहाँ से ये ग्राउंड के बहुत ही क्लोज ग्रो होते हैं, मतलब इसकी हाइट जो है सब ज़्यादा नहीं होती है. सो दे गिव्स आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और इसके ब्रांचेस भी जो निकलते हुए दिख रहे हैं आपको, ये भी जो है ग्राउंड से ही निकलते हैं. जैसे कि हमने ट्री के देखे तो वो कुछ हाइट पर जाके उसके ब्रांचेस बनते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है इसके ब्रांचेस जो है ग्राउंड से ही दिखते हैं. सो दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर दैन ट्री, और ये जो है ट्री से छोटे होते हैं और शॉर्ट होते हैं. ठीक है, बट दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम, लेकिन इसकी जो स्टेम होती है वो कैसे होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. ठीक है, द ओलियंडर, हिबिस्कस, लैंटना, कोरांटी एंड रोज आर श्रब्स दैट मे ग्रो अप टू 2 to 3 meters. जैसे कि रोज है, कोरांटी है, लैंटना है, ओलियंडर, हिबिस्कस, ये सब प्लांट्स जो है वो क्या है, श्रब कहे जाते हैं, इसको श्रब कहा जाता है, और उसकी हाइट जो है कितनी होती है, 2 to 3 meters तक. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द फेन्यूग्रीक एंड अ पेरीविंकल प्लांट, तो ये फेन्यूग्रीक जो होता है जिसे मेथी बोलते हैं हम, तो मेथी के प्लांट्स तो आपने देखे, मेथी, आप मेथी की सब्जी भी जो है घर में खाते ही हो, तो ये कितने कितने बड़े होते हैं, वो ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं. उसकी हाइट कितनी होती है, 1 to 1.5 meters तक की होती है, और इस प्लांट को जो है हर्ब्स कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो है 1 to 1.5 meters टॉल होते हैं. द स्टेम ऑफ हर्ब्स आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल होती है, और इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है. तो आप को पता ही है मेथी जब आप देखते हो तो वो कितनी फ्लेक्सिबल होती है. सो कंपेयर टू दोज ऑफ अ ट्री एंड बुशेश, और ये जो बुशेश देखे थे हमने और ट्रीज देखी थी उसके कंपेयर में अगर हम हर्ब्स को देखेंगे तो ये इसकी स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है. हर्ब मे लिव फॉर अ फ्यू मंथ आर अप टू 2 years. तो ये जो हर्ब्स है वो कुछ मंथ तक जिंदा रहते हैं या फिर कभी कभी 2 साल तक भी जो है वो जिंदा रहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू 3 types, ट्रीज, श्रब एंड हर्ब्स. उसके साइज और उसके हाइट के हिसाब से जो है स्टेम के हम प्लांट्स को 3 प्रकार से जो है 3 type में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ट्री है, श्रब है और हर्ब्स है. ट्री की जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा बिग होती है और हार्ड होती है. श्रब जो है उसकी भी स्टेम हार्ड होती है लेकिन पतली होती है, और हर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है. ओके, कैन यू टेल, हैव यू सीन वाइन्स लाइक द पम्पकिन है, द रेल रोड क्रीपर्स है, कवाली है, वाटर मिलन है, आर ग्रेप वाइन, हाउ डू दे ग्रो. तो आपने ये सब जो वेंस है वो देखे हैं, जैसे कि पम्पकिन है, पम्पकिन का जो वेल बोलते हैं वो देखा है आपने, या ये क्रीपर्स होते हैं, मतलब ये किसी सपोर्ट से जो है वो ऊपर जाते हैं, किसी के सपोर्ट से, जैसे कि अवाली है, वाटरमेलन भी जो है वो भी सपोर्ट से ही जो है उड़ते हैं, ग्रो होते हैं. ग्रेप वाइन भी जो है, ग्रेप वाइन जो है यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जब ग्रेप्स लगाए जाते हैं तो इसको जो है कुछ डंडे ऐसे लगाए जाते हैं जिसके
ऊपर इसका जो ये क्रीपर है इसको चढ़ाया जाता है, ठीक है हा? तो इसको आपने देखा है, तो ये इसको कैसे वो ग्रो होता है, तो अगर आपने इसे देखा है तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो वेंस, सम वेंस नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग। वेंस यानी वेल बोलते हैं जिसे हम, तो ये वेल जो है, जैसे क्रीपर्स भी कहा जाता है, तो ये वेंस जो है नीड वर्टिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग, उसको जो है ऊपर का ऐसे वर्टिकल सपोर्ट जो है चाहिए रहता है, जिससे कि वो किसी के सपोर्ट से वो जो है ग्रो होते जाता है और ऊपर चढ़ते जाता है। तो वाइल सम अदर स्प्रेड ऑन अ ग्राउंड, और कुछ जो वेंस होते हैं, वेल होते हैं, वो कैसे होते हैं, जो ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं, जैसे कि आपने ये पम्पकिन का देख रहे हो आप, तरबूज जो बोलते हैं जिसे, वाटरमेलन, तो ये भी जो है ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव अ एरियल रूट, और ये जो क्लाइंबर्स लाइक मनी प्लांट होते हैं उसके जो है रूट कैसे होते हैं, एरियल रूट होते हैं, मतलब ये जो है इस तरह से बढ़ते जाते हैं और बीच में ही इसके रूट आपको दिखते हैं, फिर ये इधर आगे बढ़ते जाता है और इसमें जो है यहाँ पे बीच में ही उसको जो है रूट्स आपको दिखते हैं मनी प्लांट के, तो इस तरह से जो रूट होते हैं उसे एरियल रूट कहा जाता है। और फिर ये जहाँ पर रूट से लंबे लंबे होकर जब नीचे अगर जमीन से लग जाते हैं तो फिर वहाँ से एक जो प्लांट जो है वो निकल के आता है, तो इसे एरियल रूट कहा जाता है। तो इस तरह से हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रिल, कुकुम्बर का जो वेन होता है, बेल बोलते हैं जिसे, तो उसके टेंड्रिल आपने देखे हैं, तो टेंड्रिल जो है वो कैसे होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये इसे टेंड्रिल बोला जाता है। बहुत सारे जो बेल जो आपने देखे होंगे तो उसमें जो है टेंड्रिल्स होते हैं, तो ये टेंड्रिल्स का काम क्या होता है, अब व्हाट यूज कुड देयर बी, उसका यूज होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, मतलब ये जो है सपोर्ट ढूंढते रहते हैं ये टेंड्रिल, और जहाँ पर सपोर्ट मिला वो वहाँ पर जो है ये जो क्रीपर है वो आगे बढ़ते जाता है। सो टच द स्टेम ऑफ एनी वेंस, तो ये वेंस के किसी भी स्टेम को आपको टच करके देखना है, तो व्हाट डू यू फील, आपको कैसा फील होता है वो देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मनी प्लांट दिख रहा है आपको, तो ये मनी प्लांट जो है वो किसी के भी सपोर्ट से जो है आगे बढ़ता है। द स्टेम ऑफ अ क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल, अब ये जो स्टेम होती है क्रीपर्स की जिसको आपने टच करके भी देखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इधर उधर जो है वो बेंड हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट, वो किसी के भी सपोर्ट से जो है वो बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, कैन यू टेल फॉर हाउ मेनी ईयर्स डू क्रॉप लाइक बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश, मेरीगोल्ड लिव, तो ये तो आपको पता ही है कि बाजरा जो है बस एक साल तक जो है वो जिंदा रहता है, वीट भी जो है, कॉर्न भी, हर साल इसका जो है हम मतलब इसको ग्रो करते हैं। सो द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट लाइक जवार है, सनफ्लावर है, इज कंप्लीटेड इन वन ईयर, तो ये जो है सिर्फ एक साल तक की जो है जिंदा रहते हैं, जैसे बाजरा है, वीट है, कॉर्न है। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल, इसीलिए जो है ये एक साल तक ही जिंदा रहते हैं, इसीलिए इसे एनुअल प्लांट कहा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, तो जो प्लांट एक साल तक ही जिंदा रहता है उसे एनुअल प्लांट कहा जाता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट्स लाइक द कैरोट, बीट रूट इज ऑफ अ टू ईयर, और ये जो कैरोट है, गाजर बोलते हैं जिसे हम, बीट रूट है जो रेड रेड होता है, तो वो जो है इसकी लाइफ साइकिल कितने साल की होती है, तो सिर्फ 2 साल तक ये जिंदा रहते हैं, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड अ बायनियल, ये बाय मतलब 2, तो 2 साल की है इसीलिए बायनियल कहा जाता है इसे, एनुअल जो है 1 ईयर, बायनियल मतलब 2 साल। श्रब्स लाइक द हिबिस्कस है, ओलियंडर है, एंड ट्रीज लाइक मैंगो है, गुलमोहर है, लिव फॉर सेवरल ईयर एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट, और जैसे कि ये जासवंत का झाड़ है, मतलब हिबिस्कस है, ओलियंडर है, और ट्रीज जैसे कि मैंगो है, गुलमोहर का ट्री है, ये जो ट्रीज है वो सेवरल ईयर तक जिंदा रहते हैं, मतलब बहुत सारे साल जिंदा रहते हैं, और उसमें फ्लावर्स भी आते रहते हैं, फ्रूट भी आते रहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, ये बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड अ पेरेनियल, क्या कहा जाता है इसे, पेरेनियल, ओके। तो
तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट जो है वो सिर्फ एक साल जिंदा रहते हैं उसे एनुअल कहा जाता है, जो 2 साल रहते हैं उसे बायनियल कहा जाता है, और जो बहुत सारे साल जिंदा रहता है उसे पेरिनियल कहा जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अभी कैन यू टेल टू विच पार्ट ऑफ अ प्लांट्स आर बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट अट्रैक्ट। तो प्लांट्स के कौन से पार्ट पे जो है बटरफ्लाइज और इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट करते हैं? तो आपको पता ही है इसका आंसर, बटरफ्लाइज और इंसेक्ट जो है फ्लावर से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स दैट बियर फ्लावर आर कॉल्ड अ फ्लावरिंग प्लांट। जिस प्लांट पे फ्लावर्स आते हैं उस प्लांट को क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, और वाइल द प्लांट्स दैट नेवर बियर फ्लावर आर कॉल्ड अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और जिस प्लांट को फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो उस प्लांट को क्या कहा जाता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मे नॉट हैव ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम और लीव्स। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसको फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उसको रूट्स भी नहीं होता है, उसको स्टेम भी नहीं होता है और लीव्स भी नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है यूज योर ब्रेन पावर दिया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर टोडस्टूल्स एंड मशरूम्स? ये टोडस्टूल और मशरूम जो तो आपने देखा होगा, तो ये किस तरह के प्लांट्स है ये आपको बताना है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज द फिग? फिग का जो प्लांट होता है वो कौन से टाइप का प्लांट होता है? डू फर्न, अलगी, मनी प्लांट्स बियर फ्लावर्स? क्या फर्न है, अलगी है, मनी प्लांट है, इसको फ्लावर्स आते हैं? तो नहीं आते हैं इसको फ्लावर्स। तो ये जो टोडस्टूल और मशरूम जो है वो फंगस है, फंगस प्लांट्स जो है, फंगस जो है इसे कहा जाता है। और ये जो प्लांट्स है फीग प्लांट जो है वो एक एडिबल है, जिसे जो है ऑयल बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो फर्न है, अलगी है, मनी प्लांट्स है, इसमें फ्लावर्स आते हैं? तो नहीं आते हैं। मनी प्लांट्स को आपने देखा ही होगा, उसमें फ्लावर्स देखे कभी आपने? तो नहीं आते हैं। ठीक है, डू यू नो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन इंडोनेशिया? वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो कहाँ पर फाइंड आउट हुआ है? तो वो है इंडोनेशिया में। यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया हुआ है, इंडोनेशिया। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ अ प्लांट रैफ्लेशिया एर्नोल्डी इज अबाउट 1 मीटर। ये रैफ्लेशिया एर्नोल्डी नाम के प्लांट का जो फ्लावर है उसका डायमीटर जो है 1 मीटर तक होता है। ठीक है, एंड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ द प्लांट कॉल्ड वॉल्फिया और डकवीड। ये जो डकवीड और वॉल्फिया प्लांट है उसका जो फ्लावर है वो सबसे छोटा फ्लावर है, मतलब सबसे बड़ा जो फ्लावर है, लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो इंडोनेशिया में पाया गया है, और डायमीटर जो है उसकी 1 मीटर तक है उस फ्लावर की। और वो कौन से प्लांट को लगता है? रैफ्लेशिया एर्नोल्डी। और सबसे छोटा फ्लावर जो है, स्मॉलेस्ट फ्लावर वर्ल्ड का, वो जो है कौन से प्लांट को लगता है? वॉल्फिया आर डकवीड। ओके, इट्स डायमीटर इज स्मॉल एज 0.5 मिलीमीटर, और उसकी डायमीटर जो है वो कितनी होती है? 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, तो ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है हम इसके सेकंड पार्ट को जो है वो ख़त्म करते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है वो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पार्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है और अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर जाके ऑल पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है इसके आगे के सारे लेसन के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।